नमस्कार मित्रों मित्रों पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से अंगूठा ये बताता है कि हमारे जो सपने हैं वो पूरे होंगे कि नहीं, पूरे होंगे तो कब तक पूरे होंगे, और अगर नहीं पूरे होंगे तो हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि वो पूरे हो जाए। अब मैं जो वीडियो बनाने वाला हूं उसमें आपको दूसरी तरह की जानकारी दूंगा, उससे आगे कि अंगूठे के बाद हम उंगलियों की ओर चलेंगे, फिंगर्स की ओर चलेंगे, और फिंगर्स क्या बताती हैं ये आज के प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। लेकिन मित्रों बहुत सारे हाथ आपके मेरे पास आने लगे हैं और दिन भर में मैं देखता हूं कि अनेकों मेल्स, व्हाट्सएप और मैसेज पे हाथ ही हाथ आ रहे हैं, तो इन हाथों को देखना तो संभव नहीं है, लेकिन हाथों को देखकर एक नजर में ये बताया जा सकता है कि जो हाथ आपके सामने है ये शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है, खून की कमी है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, हमेशा चिंता महसूस करता है। दूसरा ही साथ को देखें तो ये थोड़ा सा नीलापन दिख रहा है आपको हाथ में, यानी कि मानसिक समस्या, नींद की कमी, तनाव, डिप्रेशन, इसमें नीलापन आ रहा है, देखेंगे आप ध्यान से। और अगर ध्यान से इसको देखें तो इसमें खून की कमी है, पेट हमेशा खराब रहता है, और अगर इसकी खून की हम जांच कराएं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आएगा और लीवर फंक्शन भी कमजोर होंगे। हो सकता है इनकी वायु की समस्या हो, गैस बनती हो, कब्ज रहती हो, क्योंकि हाथ का जो रंग है वो मटमैला हो रहा है। मटमैला रंग इस बात का भी प्रतीक होता है कि इस व्यक्ति को कब्ज है। मित्रों ये हाथ आपके सामने है, बहुत सुंदर है, लेकिन हाथ में जो शुक्र है ये फ्लैट है। शुक्र फ्लैट होने से एक तो वैवाहिक जीवन विलंब से शुरू होता है, यानी विवाह विलंब होगा और संतान प्राप्ति में भी दिक्कतें आएंगी। तो इस तरह से आप हाथों को देख सकते हैं, लेकिन अगर हाथ को विस्तार से देखना हो, ठीक से देखना समझना हो, तो फिर आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। मित्रों हमारा हाथ ईश्वर द्वारा बनाई गई जमकुंडली है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य ईश्वर की अनुपम रचना है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मनुष्य का हाथ ईश्वर की बनाई हुई अद्भुत कृति है। मित्रों अभी आपने जाना कि किस तरह से हम अंगूठे के द्वारा ये जान सकते हैं कि आपके सपने क्या हैं और वो कब तक पूरे होंगे, ये पिछले वीडियो में आपने जाना। अब मैं बताऊंगा कि उंगलियों का क्या महत्व है, यानी फिंगर्स का आपकी लाइफ में क्या रोल है। तो सबसे पहले हम फिंगर्स के बेस में एक लाइन बना देंगे। इस बेस से हम देखेंगे कि कौन सी फिंगर ऊपर है, कौन सी फिंगर नीचे है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि फिंगर्स का मतलब क्या है। तो पहली जो आपकी फिंगर है इसका नाम है तर्जनी उंगली, यानी इंडेक्स फिंगर, और ये गुरु की उंगली है, क्योंकि इस माउंट को जुपिटर कहते हैं गुरु, तो ये एक तरह से गुरु की उंगली है। दूसरी है शनि की उंगली, यानी कि मिडिल फिंगर, ये शनि पर्वत है इसके नीचे, माउंट ऑफ सैटर्न। तीसरी सूर्य की उंगली है, यानी अनामिका। चौथी कनिष्ठा यानी लिटिल फिंगर, ये आपका सूर्य पर्वत हो गया, और ये हो गया माउंट ऑफ मरकरी। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग जिनको नौकरी नहीं मिलती, जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन बिजनेस नहीं चलता, जो बहुत काम करते हैं लेकिन उनका प्रमोशन नहीं होता, और जो बहुत मेहनत से काम करते हैं फिर भी उनकी सैलरी नहीं बढ़ती, उसके पीछे कारण क्या है। तो इन सब कारणों पर आज हम बहस करेंगे, बात करेंगे, विचार करेंगे, और उसके लिए हमें जानना होगा कि बृहस्पति की उंगली करती क्या है। बृहस्पति की जो उंगली है ये ज्ञान की है। ज्ञान का मतलब वो ज्ञान जिसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इसे और ध्यान से सुनिएगा, जिस ज्ञान पर केवल हम दिमागी एक्सरसाइज करते हैं, चिंतन करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं, वो ज्ञान शनि का है।
इसको चिंतन कहेंगे। यहाँ पे ये आपका चिंतन है, जो आप दिन भर सोचते हैं, विचारते हैं, करते कुछ नहीं है उसमें। जो आप कर रहे हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं और सैलरी आ रही है, वो बृहस्पति से आ रही है। जो आप केवल चिंतन कर रहे हैं अपने लिए, अपने शौक पाल रखे हैं आपने, उपन्यास पढ़ते हैं, फिल्में देखते हैं, गॉसिप करते हैं, ये आपका शनि है। और जो आपके अंदर उत्साह है जीवन में, एंथुसियाज्म है, जो आपको यश दिलाता है, वो आपका सूर्य, सूर्य की उंगली, ये यश दिलाती है, पहचान दिलाती है। जो आपने सोचा और जो आपने किया, उसे दुनिया ने स्वीकार किया। यहाँ पे आपने सोचा, यहाँ पे किया और यहाँ पे दुनिया ने स्वीकार किया। इस तरह से इसको हम पामिस्ट्री में समझते हैं। अब समस्या क्या आती है, इसके लिए हमें बेस देखना पड़ेगा। ये जो बेस है हाथ का, अब बेस में क्या हो रहा है कि सबसे ऊपर तो शनि की उंगली है। हालांकि हर हाथ में ये बेस सेटिंग अलग अलग होती है, आप ध्यान से देखिएगा। अभी मैं रेखाओं की बात नहीं कर रहा हूं, माउंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, हाथ के किसी भाग की बात नहीं कर रहा हूं। अभी मैं केवल वो चीजें आपको बता रहा हूं जो कोई आपको नहीं बताएगा। और जब भी आपको सीधी रेखाओं के बारे में बताया जाएगा तो आप समझिए कि आप भटक चुके हैं और हस्तरेखा विज्ञान आप नहीं समझ पाएंगे। मित्रों, जब हम इस बेस को ध्यान से देखते हैं तो इससे कई उंगलियां ऊपर शुरू हो रही हैं, कई नीचे शुरू हो रही हैं। इसमें सबसे ऊपर शुरू हो रही है शनि की उंगली, उससे नीचे शुरू हो रही है सूर्य की उंगली, उससे नीचे शुरू हो रही है गुरु की उंगली, और उससे भी नीचे शुरू हो रही है बुध की उंगली। अब जैसा कि मैंने बताया कि चिंतन का जो ग्रह है, चिंतन तो इनका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा विचारते भी हैं, बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं, पढ़ने में होशियार भी हैं। लेकिन चूंकि ये उंगली नीचे है, नीचे शुरू हो रही है, तो जो इनकी योग्यता है, पढ़ाई लिखाई है, परिश्रम है, अगर सैलरी वाइज देखा जाए, अथॉरिटी वाइज देखा जाए, तो ये जीवन में थोड़ा सा नीचे है। यानी इन्हें उस तरह की जॉब और उस तरह की सैलरी नहीं मिली हुई है जिसके ये हकदार थे। कितनी महत्वपूर्ण चीज है मित्रों, अभी मैंने रेखाएं नहीं देखी, अभी मैंने कोई माउंट्स नहीं देखे हैं, कोई चिन्ह नहीं देखे हैं, नाखून नहीं देखे हैं, उंगलियां नहीं देखी हैं, सिर्फ उंगली का बेस देखा है। और इससे पता चल रहा है कि ये आदमी कोल्हू के बैल की तरह लगा हुआ है, इसे सैलरी नहीं मिल रही, इसे प्रमोशन नहीं मिल रहा, इसे इसके अधिकार नहीं मिल रहे, इसकी कोई बात नहीं सुन रहा। तो कैसे हम इन चीजों से मुक्त हों, इन चीजों के बारे में कैसे हम इस त्रासदी से मुक्ति पाएं और जीवन में अपनी पहचान बना सकें। तो मित्रों, जैसा कि मैंने बताया कि ये ज्ञान है जो आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जिसके कारण आपको सैलरी मिल रही है, ये ज्ञान है जो आपके पास है, लेकिन उसका बहुत बड़ा भाग केवल फालतू की बातों में, चिंताओं में, गॉसिप्स में जा रहा है। और ये वाला वो पार्ट है जहां से दुनिया आपको जान रही है, आप कितना काम कर रहे हैं किसी को नहीं दिखाई देता, ये उंगली आपकी ऊपर होनी चाहिए। इसलिए इनका थोड़ा सा बैलेंस तो बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जहां पे ये नीचे जा रहे हैं कि इनको पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन नाम तो इनको मिल रहा है, नाम काफी हद तक मिल रहा है, लेकिन कई लोग नाम से संतुष्ट नहीं होते। और ये स्वाभाविक भी है कि भाई नाम है तो फिर धन भी आना चाहिए, तो वो चीज इनकी कम है। और इस कमी को कैसे दूर करें, इस बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज जरूर करिएगा और बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। मित्रों, इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।